हेलो गाइस, विल बी स्टार्टिंग हिंदी प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी ट्रांसक्रिप्शन जो हमारा है वो आपको कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको हिंदी ट्रांसक्रिप्शन के लिए हिंदी लिखना है इन लैपटॉप। सो हमारे किसी के पास हिंदी कीबोर्ड है नहीं, तो हम हिंदी कैसे लिखेंगे? वी नीड टू जस्ट डाउनलोड गूगल इनपुट टूल। आप गूगल में सर्च करेंगे गूगल इनपुट टूल, एंड यू हैव टू गो टू ऑन क्रोम। यू हैव टू ऐड एक्सटेंशन टू क्रोम। यहाँ डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन ऑप्शन आएगा, डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन। सो एज आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट, सो हियर इट विल शो, एंड फ्रॉम हियर यू कैन जस्ट ऐड द लैंग्वेज। ओके, यहाँ पे एक्सटेंशन ऑप्शन, एंड हियर हिंदी यू हैव टू सेलेक्ट, और वट एवर लैंग्वेज यू, आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको काम करना है, यू हैव टू सेलेक्ट। सो दिस हिंदी यू हैव टू सेलेक्ट, और यहाँ पे आपको वो आ जाएगा। देर इज़ अनदर ऑप्शन टू राइट हिंदी, दैट इज़ यूजिंग फोनेटिक कीबोर्ड। अगर से आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइपिंग ऑप्शंस में आप जाएंगे तो हिंदी फोनेटिक कीबोर्ड आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मूविंग टू ट्रांसक्रिप्शन, यू विल बी गेटिंग आईडी। आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा जो कि आपका रहेगा, और जैसे आप लॉग इन करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस यू कैन सी। राइट नाउ डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको शो होगा कि आपने कितने फाइल्स ट्रांसक्रिप्ट किए हैं एंड व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ दैट फाइल। ठीक है, एज वी हैव मेंशन यू एंड वी हैव इन्फॉर्म यू कि ईच फाइल विल बी ऑफ 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, मैक्सिमम 3-5 सेकेंड्स। आपको ट्रांसक्रिप्शन करना कैसे है? यू जस्ट हैव टू गो टू ट्रांसक्रिप्शन एंड ऑडियो ट्रांसक्राइबिंग। यहाँ पे आपको ऑडियोज आएगा जो आपको सुनना है, और यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे आपको लिखना है। सो इन दिस ऑडियो फाइल देर इज रिंग नॉइज, राइट? तो यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, अंडरस्टैंड? जब कोई भी चीज़ें नहीं हैं, जब कोई ऑडियो, जब कोई बंदा कुछ बोल नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पे टैग लगाना है। वी हैव टू यूज़ थर्ड ब्रैकेट दैट इज़ नेक्स्ट टू पी नंबर्स कीबोर्ड पे, और यहाँ पे आपको फ़ोन नॉइज़ का टैग यूज़ करना है, एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना है, एंड देन यू जस्ट हैव टू सबमिट। हाँ, ओके, नाउ जैसे आप सबमिट करेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरी ऑडियो आपके पास आ जाएगी जो कि आपको सुनना है और आपको लिखना है। तो इस ऑडियो को मैं प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने, जब हम सुन रहे हैं तो हमें दो स्पीकर की आवाज़ आ रही है, मेल एंड फीमेल बोथ, बट जो मेल की आवाज़ आ रही है वो हाँ ऐसे करके आ रही है, राइट? फीमेल की आवाज़ हमें क्लियर नहीं आ रही है। मेल हिंदी में बोल रहा है तो हमें यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करना है, अगर से वो इंग्लिश में बोलते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करना है, और अगर से वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इस ऑडियो फाइल में बोलते हैं तो हमें इंग्लिश सेलेक्ट करना था। यहाँ पे हिंदी में बोला है, जेंडर इज़ मेल, क्योंकि सिर्फ हम मेल की आवाज़ समझ आ रही है। अगर से मेल फीमेल दोनों की आवाज़ बातें समझ आती तो हमें बोथ पे सेलेक्ट करना होता, क्योंकि यहाँ पे हाँ सिर्फ मेल की आवाज़ समझ आ रही है तो हमने मेल सेलेक्ट करा, और ये वो जगह है जहाँ पे हमें लिखना है। तो मैं फोनेटिक कीबोर्ड यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं हाँ लिखता हूँ। तो लिखना बहुत ही सिंपल है, आपने इंग्लिश में हाँ जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखना है, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है हाँ हाँ ठीक है। अभी हम प्ले करते हैं। हाँ, 3 बार उसने हाँ बोला है, तो हम 3 बार लिखेंगे हाँ।
यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे हूँ बोला है, यहाँ से है ना। तो ये चीज़ हमें लिखना नहीं है, जो चीज़ हम लिख नहीं रहे हैं हम क्या करेंगे, उसे सेलेक्ट करके ट्रिम करके यहाँ से हटाएंगे। बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक एक यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पोर्शन हमारा सेलेक्ट हो चुका, हम यहाँ से ट्रिम करेंगे। ओके, हाँ, है ना, फीमेल की जो आवाज़ है वो हमें क्लियर नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे हाँ टाइप करेंगे और इसे सबमिट करेंगे। ऑटोमेटिक मॉडल को पढ़ाई करते कुछ मॉडल अभी दूसरी तीसरी ऑडियो हमारे पास आ गई, को पढ़ाई करते कुछ रोड के ऊपर है वहाँ पे। तो जो भी यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है, जैसे कि रोड, रोड एक इंग्लिश वर्ड है, हमें इंग्लिश में रुकना है, के ऊपर जो हिंदी वर्ड है वो हमें हिंदी में लिखना है। लैंग्वेज इज मिक्स, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी हमने दोनों यूज़ करा है, यहाँ पे इंग्लिश यूज़ करेंगे। जेंडर इज मेल, ये दोनों चीज़ आपको यूज़ नहीं करना है, लीव इट एज इट इज़, ठीक है। एंड देन सबमिट, अगर से कुछ यहाँ पे जो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं उसे आप ट्रिम कर सकते हैं, पढ़ाई करते कुछ जैसे कि यहाँ से यहाँ, है ना, ये पार्ट में किसी ऑडियो में कुछ आप लिख नहीं सकते हैं तो उसे आपने ट्रिम कर दिया। मॉडल को पढ़ाई करते अगर से आपको लगता है कि आपने गलती से कुछ ज़्यादा ट्रिम कर दिया फिर अब क्या होगा, तो अंडू ऑडियो का ऑप्शन है, मॉडल को पढ़ाई करते कुछ ये अंडू ऑडियो करेंगे तो वापस से वही ऑडियो आ जाएगी जो आपने ट्रांसक्राइब किया था। अब फिर से आप इसे ट्रिम कर सकते हैं और इसे यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एंड देन सबमिट। तो ऐसे आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है। नाउ जो भी आपने ट्रांसक्रिप्शन किया है वो यहाँ पे पहला ऑप्शन था हमारा ट्रांसक्राइब लॉग, ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा ट्रांसक्राइब, पहला था हमारा ऑडियो ट्रांसक्राइबिंग, दूसरा ट्रांसक्राइब लॉग आया, यहाँ पे हमने जो किया है ट्रांसक्रिप्शन वो यहाँ पे शो होगा, राइट। अब हमने क्या करना है, अगर से इसे हमें चेक करना है हाँ तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये हमारा ओरिजिनल, ये ओरिजिनल ऑडियो था जो आपने यहाँ से ट्रिम किया, और ये ट्रांसक्राइब ऑडियो है, आपको हर एक ऑडियो चेक करना है कि सही है कि नहीं, अगर से सही नहीं है तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं और उसे आप एडिट करके यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये अपडेट वाला आ जाएगा। रिवर्ट लॉग क्या है, जब आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और क्यूसी वाले को आप क्यूसी, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन क्यूसी क्वालिटी चेक करेंगे, अगर से वहाँ पे एरर आता है तो ये आपके फाइल को रिवर्ट कर देंगे, जो कि आपको फिर से ठीक करना है और ट्रांसक्राइब करना है। एक्सेप्ट लॉग क्या है, एक्सेप्ट लॉग वो है जो कि हमारी इन हाउस क्यूसी टीम जो आपके फाइल को एक्सेप्ट करेंगे वो यहाँ पे आपको शो होगा। नाउ यहाँ पे माई प्रोजेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपने ये प्रोजेक्ट्स आपको अभी कर रहे हैं, यहाँ पे आपने 22 फाइल किया है, 23 सेकेंड्स की ड्यूरेशन है अप्रॉक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन इज इन सेकेंड्स आ रहा है, दिस इज ऑन सेकेंड, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। विल बी मेकिंग अनदर सेट ऑफ ऑडियो ट्रेनिंग, ठीक है, इनिशियली टू गेट स्टार्टेड दिस इज वॉट वी नीड। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, एनी इश्यूज, प्लीज गेट बैक टू अस, थैंक यू।